हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको हैंडबैग्स बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो चलते हैं हमारी बैग्स की तरफ। सबसे पहले हम एक पेपर, कंप्यूटर पेपर लेंगे। उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि उसके चारों कोने बराबर हो जाएंगे। फिर जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है कंप्यूटर पेपर का, उसे हम कट कर लेंगे। अब देखें इसको मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। बिल्कुल आप चाहें तो मैयर भी कर सकते हैं स्केल की मदद से, पेंसिल और स्केल की मदद से आप इसको निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको खाली निशान लगा कर काट कर दिखा रही हूँ। आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कारामद। आप बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी खेल सकते हैं। अब आप यहाँ पे मेरे पेपर्स की फोल्डिंग देखें। सारा काम फोल्डिंग का है। पेपर की फोल्डिंग अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट की है तो आपका बैग बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनेगा। देखें मैंने इसको 3 बार अब यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसकी फोल्डिंग आप जब करेंगे तो आपको जो पेपर के ऊपर निशान है उसे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पेंसिल या कोई और चीज़ यूज़ करने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फोल्डिंग के निशान है उसी से आप अपनी इजीली आप अपनी ना बैग बना सकते हैं। बस जो मैं स्टेप ले रही हूँ उसको फॉलो करते जाइएगा। ये देखें मैं कितनी ईज़िली इसको बना रही हूँ। कोई भी परेशानी नहीं हो रही है इसके अंदर। आप भी ऐसा ईज़िली कर सकते हैं। अब मैंने इसको वापस खोला है और वापस से इसको मैं दोबारा फोल्ड कर रही हूँ। और इसको इस तरह बार बार भी इसलिए कर रही हूँ ताकि जो पेपर की फोल्डिंग के निशान है वो डार्क हो जाएं, क्योंकि अक्सर पेपर के फोल्डिंग के निशान अगर ठीक से ना हो तो वो मिट जाते हैं और फिर हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ये देख सकते हैं मैंने पेपर को बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड किया है। जब आप पेपर बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपको इस ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप। पेपर को देखो फोल्ड होता जाएगा इजी तरीके से। आप ये देखें कितना स्मूथली ये मेरा बैग बन रहा है। और मैं इसके ऊपर ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ ताकि पेपर जो है, जो पेपर बैग है मेरा, वो खुल ना जाए या बनने के बाद ख़राब ना हो जाए। मैंने गम ग्लू स्टिक यूज़ की। आप चाहें तो गन ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऐसी स्टिक जो कि आपको ईजीली अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है तो इसलिए मैंने ये यूज़ की है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। वैसे आजकल ग्लू गन का बहुत यूज़ हो रहा है, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक बॉक्स टाइप का बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इनके जो हैं वो कॉर्नर्स को मैं सेट करूँगी। देखें अब ये मैंने इसको साइडों में से फोल्ड कर दिया है जो कि हिस्सा के ऊपर की तरफ था। अब मैं इनको, ये देखें मैंने इसको फोल्ड किया। ये मेरा हैंडबैग तकरीबन आधा आधे से ज़्यादा तैयार है। मैंने पहले भी 2 बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर 2 बैग आपको पहले से दिख रहे होंगे। आप चाहें ऊपर फिनिशिंग के लिए कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने फ्लावर लगाया है, एक बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं, डॉल कटिंग करके लगा सकते हैं, रोज़ लगा सकते हैं, वो जो आपकी बिल्कुल जो आपके माइंड में हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। देखें बैग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब मैंने एक प्लेन पेपर लिया है। आप चाहें तो कलरफुल ले सकते हैं, ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। इसमें वैसे अगर आप ग्लिटर पेपर भी यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगेगा। अगर वैसे मैंने प्लेन पेपर लिया है, इजी रहेगा। अब मैं पेपर की स्ट्रिप काट रही हूँ जितनी आपको चाहिए। मैं अपने अंदाजे से ले रही हूँ। मैं 2 स्ट्रिप काटूँगी, एक भी लगा सकते हैं। हैंड बैग में वैसे मोस्टली लेडीज़ के 3 डोरियाँ लगी होती हैं, लेकिन मैं 2 लगा रही हूँ।
अब आप ये देखें कि मैं किस तरीके से मेरे इस पेंसिल ये जो मैंने अपनी स्ट्रिप को खूबसूरत सी शेप दी थी लास्ट के अंदर, अब यहाँ पे मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। मैंने अपनी ग्लू गन की मदद से पेपर बैग के ऊपर उनकी स्ट्रिप लगा दी है। अब दूसरा भी हैंडल मैं ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखें आप, मैंने दोनों तरफ से इसको ज्वाइंट कर दिया है, मैंने दोनों तरफ से इसको ज्वाइन कर दिया अच्छे से। अब मैंने लास्ट में भी जो मेरे देखें यहाँ पर भी मैंने ग्लू गन लगा दी थोड़ी, ताकि जो भी ये देखें, अब जो मेरे पास बचा हुआ स्ट्रिप ये मैंने काटा है, बचा हुआ स्ट्रिप नहीं है, बाकी जो था वो मैंने आपके सामने लगा दिया था। इसको मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के लिए लगाया है, या फिर आप ऐसा कह के ये भी कह सकते हैं कि बैग को बंद करने के लिए जो हमें हुक की लॉक की ज़रूरत पड़ती है, मैंने इसको उसके हिसाब से इसको यूज़ किया है। आप देख सकते हैं पीछे जो बैग बने हुए हैं, ऑलरेडी मैंने उनके अंदर ऐसी चीज़ें लगाई हैं, इस पर भी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। ऊपर डेकोरेशन के लिए आप खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मोती लगाए थे, आपको कुछ और पसंद है, सितारे पसंद है आप वो लगा सकते हैं, या कुछ भी एज यू विश, आप पेन से आर्ट कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ हिस्सा है मैंने उसको फोल्ड करके काट लिया, ताकि जो है वो ज़्यादा बड़ा हुआ अच्छा ना लगे। अब देखें यहाँ पे मैंने एक पेपर पे कटिंग करके बटरफ्लाई बनाई है, बटरफ्लाई बना रही हूँ मैं। ये देखें आप, मैंने एक बैग को सिंपल रखा है, दूसरे पे मैंने एक फूल बनाया, और अब जो थर्ड मेरे पास बैग है ये देखिए, मैंने इसके ऊपर थर्ड बटरफ्लाई भी लगाई है। इसको उठाने के लिए, कलरफुल करने के लिए, ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, आप चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। आप अपने हाथ का आर्ट भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी रेडीमेड बटन या कोई भी इस तरह का फ्लावर भी आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये जल्दी से चिपक जाए, क्योंकि ग्लू स्टिक, क्योंकि हेवी चीज़ ग्लू स्टिक जो है वो बहुत देर से चिपकाती है, इसलिए मैंने यहाँ ग्लू गन का यूज़ किया है। देखिए मेरा बैग बिल्कुल रेडी है, आप मेरा पूरा पूरा बैग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अपना व्यूज़ देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।